जब कोई लड़की कोई कंप्लेंट लगाती है, कंप्लेंट देती है और सेक्शन 12 का केस डालती है किसी भी कोर्ट में, सेक्शन 12 द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो बोलता है, क्योंकि ये कंप्लेंट उसी के तहत दी जाती है, तो उसमें अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के जैसे मामलों में जब केस दर्ज होता है किसी के भी अगेंस्ट, जब लड़के के अगेंस्ट या लड़के के परिवार वालों के अगेंस्ट में जब कोई लड़की कोई कंप्लेंट लगाती है, कंप्लेंट देती है और सेक्शन 12 का केस डालती है किसी भी कोर्ट में, सेक्शन 12 द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो बोलता है, क्योंकि ये कंप्लेंट उसी के तहत दी जाती है, तो उसमें अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे एलिगेशंस कई बार लगा दिए जाते हैं जो कहीं पर भी धरातल पर फिट नहीं बैठते, मतलब कि उसमें कुछ भी सच होता ही नहीं है। पर ऐसे मामलों में भी लड़कों को बहुत परेशान होना पड़ता है, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार कोर्ट में तारीखें लगती हैं, बार बार तारीख पर जो वकील साहब आपके लिए केस को प्रेजेंट करने आएंगे, केस को लड़ने आएंगे, वो आपसे फीस लेते हैं। और सेक्शन 12 ही नहीं दोस्तों, इसके साथ और भी जो दूसरे केसेस होते हैं वो भी पैरेलल चलते हैं, जैसे 125 मेंटेनेंस के लिए डाल देते हैं, साथ 498A की अलग कंप्लेंट होती है, आपको भी डालना होता है, कभी आप डिवोर्स डालते हो तो कभी आप चाइल्ड कस्टडी के लिए केस डालते हो। बट इन सब मामलों से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि सेक्शन 12 का कोई केस आपके ऊपर डाला और सीधा आप उसका रिप्लाई बनाकर सीधा कोर्ट में पहुंच जाए, सफाई देना शुरू कर दे, उससे पहले क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए कि आपका केस सिरे से ही खारिज हो जाए, वो केस ही ना चले, क्या क्या है वो चीजें, उन पर आज बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए, सेक्शन 12 का केस अगर आपके ऊपर हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप पर हुआ है, तो क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, हालांकि मैंने पहले जितने भी वीडियोस बनाई हैं, बहुत बार आपको बताया है कि जब एक लड़के लड़की की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होने के बाद में दोनों परिवारों के बीच का भी एक बंधन होता है, चाहते हैं कि समाज में दोनों ही अच्छे से रहें और अच्छे से जो भी आने वाली जनरेशन होगी वो भी अच्छे समाज में अपना एक नाम कमा सके। पर कुछ ही सालों के बाद अक्सर देखा गया है कि केसेस शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ से इल्जामारोपण शुरू हो जाता है, या फिर ये मान लीजिए एलिगेशन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। लड़का एलिगेशन लगाता है लड़की पर, लड़की एलिगेशन लगाती है लड़के पर, और यहीं से आपकी शुरुआत होती है जर्नी की, कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस जाने आने की और बहुत सारा पैसा खर्च करने की। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी लड़की ने आप पर कोई केस किया, सेक्शन 12 में केस कर दिया। अब दोस्तों, ये सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 कुछ अधिकार देता है उन सभी लेडीज को, या फिर उन सभी जो महिलाएं हैं जिनके साथ कोई भी क्रुएलिटी हुई है, कोई भी प्रताड़ना हुई है किसी भी तरह से, तो केस डाल देते हैं। सेक्शन 12 जो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। अब सेक्शन 12 में दोस्तों पढ़ेंगे ना, तो इसमें लगभग 5 पॉइंट्स मेंशन है। हालांकि 5 पॉइंट्स को बहुत डिटेल में एक बहुत जल्दी एक वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा 5 पॉइंट्स की क्या क्या बातें बोलते हैं। पर आपको देखना क्या है, अगर आप हस्बैंड हैं, मतलब कि हस्बैंड है आप पर वो केस डाला गया है, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कहां से केस डाला गया है, क्योंकि लड़की के पास तो ऑप्शंस हैं। लड़की के पास क्या ऑप्शंस है, जो वो वाइफ है, कि वो केस वहां से डाल सकती है जहां वो अभी रह रही है, मतलब टेम्परेरी कहीं पर भी रह रही है, या फिर वो केस डाल सकती है वहां से भी जो उसका मायका है, चाहे कहीं पर भी उसका मायका हो, जहां से शादी होकर आपके घर पर वो आई, या फिर केस डाल सकती है वहीं जो आपके घर पर आई है, वहां की जो जुरिस्डिक्शन बनती है। काफी बार इन मामलों में ऐसा दोस्तों देखा गया है कि सिर्फ लड़के को परेशान करने के लिए काफी दूर दराज में जाकर केस डाल दिया जाता है और एक नकली तरह से एक फेक एग्रीमेंट बना लिया जाता है, मतलब रेंट एग्रीमेंट, और केस डल जाता है। सबसे पहले आपको जुरिस्डिक्शन दोस्तों चेक करनी है, जुरिस्डिक्शन बनती भी है या नहीं। जैसे ही केस डला, कहां से वो केस डला, हो सके तो पता लगाइए कि क्या वो वहां कहीं लड़की रही है, या फिर कभी वो लड़की रही भी नहीं, या फिर हो सकता है कि रह भी ना रही हो, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट आप सीधा कंप्लेंट दे सकते हो, और साथ में ही 340 के तहत भी आप कंप्लेंट दे सकते हो। आपके वकील साहब इन सब चीजों के बारे में आपको बता देंगे। हालांकि ऐसी कंप्लेंट की मतलब किसी तरह से वो मिसगाइड कर रहे हैं कोर्ट को, ये भी एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कोर्ट में।
क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन को ही अगर वो मिसलीड करेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग को मिसलीड करेंगे, मिसगाइड करेंगे, तो ये भी एक तरह का कानूनी अपराध है। आप कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकते हो। और साथ में ही चीज़ें आप देखें कि लड़कियां ऐसा अक्सर करती हैं, कई बार वकील साहब के कहने से भी गलतियां करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोग जो ज़्यादा समझदार उन्हें मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेंट एग्रीमेंट बनाओ और यहां से उसके अगेंस्ट केस डाल दो। तो ऐसी कोई भी अगर महिला केस डालती है किसी पर, तो सावधान रहें, आप पर भी क्रॉस एक्शन हो सकता है, आप पर भी क्रॉस केस हो सकता है और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर परेशान है ऐसी किसी कंप्लेंट्स को लेकर, आप पर केस हो गए हैं, आप कोई सलाह चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करें, अपने सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हो सकता है हम आपको कोई ये सलाह दे सकें जिससे कि आप अपने इस केस से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।